स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि इकाई चार साले संस्कृति नेतृत्व एवं विकास, इसके 10 अंक इकाई चार के कैसे हासिल करना है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं द्वितीय वर्ष का विषय जिसका नाम है साले संस्कृति नेतृत्व और शिक्षा विकास की इकाई चार। इस इकाई चार पर कुल अंक आवंटित है 10, तो इसके अंक विभाजन की बात करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, वस्तुनिष्ठ की बात करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का इस्तेमाल करते हुए लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स, बने रहिए वीडियो के एंड तक, वीडियो मिस मत कीजिएगा, आप 10 नंबर हासिल करके विषय पास कर सकते हैं सिर्फ एक इस वीडियो को देखकर, तो वीडियो के एंड तक जरूर बनेगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा ये करने में, सिर्फ 2 सेकंड, तो जरूर कर दीजिए ताकि आगे कोई भी मैं वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपने डीएड की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाए। साथ ही साथ इस पे बीएड के भी वीडियोस आने वाले हैं बहुत ही जल्दी, तो आप उसकी भी तैयारी करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस विषय में, इस इकाई में हम बात करेंगे अंक विभाजन की और साथ ही साथ इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप अन्य वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट पे सब कुछ आपको मिलेगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे संपर्क कीजिए, बहुत ही विश्वसनीय संस्था में आपका कम फीस में एडमिशन करवा दिया जाएगा। जी हाँ, चलिए स्टूडेंट्स, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इस इकाई के अंक विभाजन की। तो इस इकाई चार जिसका नाम है शिक्षा में बदलाव एवं सुगमता, भाई शिक्षा में बदलाव इसका नाम ही है, तो आप देखिएगा कि हर सवाल जो शिक्षा में बदलाव की तरफ आएगा, शिक्षा में सुधार की तरफ आएगा, तो याद रखिएगा उसी से जुड़े सवाल आएंगे। तो इकाई चार जो है इस पे कुल अंक आवंटित है 10, कुल 10 अंक आवंटित है। साथ ही साथ इसमें 1 मास के 3 प्रश्न आते हैं, 2 मास का 1 प्रश्न आता है और 5 मास का 1 प्रश्न आता है, तो 5, 2, 7 और 3, 10, तो इस प्रकार से कुल 10 अंक आवंटित है इस इकाई पर। चलिए बिना देरी के लिए अब शुरू करते हैं कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कौन से हैं। तो पहला, छात्रावास में छात्रों की स्वास्थ्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। जो भी छात्र छात्रावास में रहते हैं तो उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, तो ध्यान रखिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी योग करवाकर, उनका डॉक्टरी परीक्षण करवाकर और स्वास्थ्य का निरीक्षण करवाकर। जी हाँ, डॉक्टरी निरीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, ये ध्यान रखिए। समय समय पर वहां पर उन्हें प्रत्येक दिन तो उन्हें योगा कराना चाहिए और उनका एक्सरसाइज होना चाहिए, अच्छा भोजन मिलना चाहिए, डॉक्टर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करता रहे, साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य निरीक्षण होते रहना चाहिए, कोई तबीयत खराब तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, ये होते रहना चाहिए। ठीक, दूसरा, संस्कृति में शामिल होते हैं क्या शाला के विचार। जी हाँ, शाला के जो विचार होते हैं वो संस्कृति में शामिल होते हैं। आगे देखिए, स्थानीय संस्थाएं कितने स्तरों पर कार्य करती हैं। ये 7 स्तरों पर जो स्थानीय संस्थाएं होते हैं शिक्षा के लिए, वो उनकी बढ़ोतरी के लिए, बदलाव के लिए 7 स्तरों पर कार्य करती हैं, ध्यान रखिएगा। अगला, राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। जी हाँ, राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी शिक्षा सचिव होता है। राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी शिक्षा सचिव होता है। अगला देखिए, विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार का संगठन कौन सा है। भारत सरकार का जो केंद्र सरकार है वो विद्यालय शिक्षा के लिए कौन सा संगठन बना के बैठी है, तो वो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल, यानी कि सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। सीबीएसई जो एनसीईआरटी वगैरह पूरा सिलेबस प्रोवाइड करती है, आप जानते होंगे। ठीक, तो भारत सरकार का विद्यालय क्षेत्र में जो संगठन है वो सीबीएसई है, केंद्रीय शिक्षा मंडल जो है वही है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला, शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया समाज में संभव है। जी हाँ, शिक्षा के जो आदान प्रदान, यानी कि जैसे मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं और आप शिक्षा ले रहे हैं, तो ये जो संभव हो पा रहा है समाज में, अब मैं किसी पहाड़ पर रहता या फिर आप किसी जंगल में रहते तो हम वहां शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते ना। शिक्षा का जो आदान प्रदान होता है वो समाज में रहकर ही संभव है, समाज से बाहर नहीं, याद रखिएगा। तो शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया समाज में संभव है। अगला, शिक्षा और समाज का घनिष्ठ संबंध है, गहरा संबंध है। किसका घनिष्ठ संबंध है? शिक्षा और समाज का। शिक्षा और समाज का क्या संबंध है? घनिष्ठ संबंध है, यानी ये एमसीक्यू, ये जो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ है, कैसे भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने ये लिखा है समाज तो हमेशा समाज ही आएगा, हो सकता है शिक्षा समाज दे दे और घनिष्ठ गायब कर दे, हो सकता है कि और ये इतना रख दे और का घनिष्ठ संबंध है बस इतना दे दे, तो हमें लिखना पड़ेगा शिक्षा और समाज का, ये लिखना पड़ेगा, तो इतना आपको आना चाहिए। अगला देखिए, शिक्षा का सामान्य कार्य क्या होता है? व्यक्तित्व का विकास करना होता है। जी हाँ, शिक्षा का सामान्य कार्य व्यक्तित्व का विकास करना होता है। तो जो शिक्षा है उसका सामान्य कार्य है व्यक्तित्व का विकास करना। अगला देखिए,
आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो भाई आर्य समाज के, आर्य समाज है उसके संस्थापक स्वामी दयानंद जी थे। जी हाँ, कौन थे आर्य समाज के संस्थापक? स्वामी दयानंद। तो आर्य समाज वो समाज जो समाज के उत्थान के लिए, समाज सुधार के लिए कार्य करता था, जो बालिकाओं की शिक्षा के लिए, समाज से कुप्रथाओं कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्य करता था। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, रामकृष्ण मिशन। जी हाँ, जो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे उस पर जो मिशन बना था रामकृष्ण मिशन, ये संस्था इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1897, 1 मई 1897। जी हाँ, 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। अगला देखिए, अब ये हो गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ जो 10 मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए, इनकी वजह से आपको 3 अंक तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ इनकी सहायता से आप दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न भी लिख पाएंगे। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। छात्रावास में छात्रों की स्वास्थ्य सुरक्षा होगी योग, डॉक्टरी परीक्षण, स्वास्थ्य निरीक्षण से। संस्कृति में शामिल होते हैं शाला के विचार। स्थानीय संस्थाएं कितने स्तर पर कार्य करती है? 7 स्तर पर। राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी शिक्षा सचिव होता है। कि विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार का संगठन कौन सा है? तो CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा मंडल। उसके बाद शिक्षा के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो समाज में संभव है। शिक्षा और समाज का घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा का सामान्य कार्य व्यक्तित्व का विकास करना होता है। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को हुई थी। तो ये तो हो गया स्टूडेंट सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के बारे में बताइए। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यहाँ से हेडिंग डाल दीजिएगा कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना, फिर उसके नीचे लिखिएगा थ्योरी में या पॉइंट्स में कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है ये जो शुरू किया गया था, मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ, अपने मन से भी आप लिख पाएंगे। छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था बालिकाओं की शिक्षा के लिए। अब नाम ही है बालिका विद्यालय, तो भाई बालिकाओं की शिक्षा के लिए है ना, 6 से 14 वर्ष तक की सभी बालिकाओं को अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शुरू की गई थी। बाद में इस योजना को 2007 में चल के सर्व शिक्षा अभियान में ही एक इकाई के रूप में, एक भाग के रूप में विलय कर दिया गया, इसको जोड़ दिया गया सर्व शिक्षा अभियान से। ऐसा आप लिख सकते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है तो इस विद्यालय का उद्देश्य था कि सभी बालिकाओं को स्कूल में दाखिला करवाया जाए, जो दाखिला हो चुका है स्कूल नहीं आ रही उनको स्कूल तक लाया जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए और सभी बालक बालिकाओं को सुशिक्षित किया जाए। तो इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ बालिकाओं पर था, क्योंकि बालिका विद्यालय इसका नाम ही योजना का है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो पूरा मुख्य इसका जो फोकस है, जो इसका ध्यान है, किसकी तरफ था? बालिकाओं की शिक्षा के लिए, बालिका शिक्षा सुधार के लिए, शिक्षा में सुधार के स्तर सुधार करना चाहिए, शिक्षा के स्तर को, इसके लिए योजना लाई गई थी। तो आप लिख सकते हैं, ठीक। अगला देखिए, भारतीय शिक्षा में असमानता निवारण के उपाय बताइए। भाई भारत में शिक्षा में जो असमानता है, क्या असमानता है? कि लड़का लड़की में भेदभाव बहुत है, क्योंकि लड़कियां बहुत कम पढ़ने आ पाती हैं स्कूल, लड़के बहुत ज्यादा आ पाते हैं। माँ बाप बालिकाओं की शिक्षा के लिए लेकर ज्यादा जागरूक नहीं है, उदासीन होते हैं। तो इसलिए इन असमानताओं को दूर करने के लिए कुछ उपाय लिखने। तो भाई कैसे उपाय लिखेंगे हम? पहली बात तो ये कि बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया जाए, माता पिता को भी समझाया जाए कि बालिकाओं की शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ बालिकाओं को मुफ्त एवं अच्छी अच्छे स्तर की शिक्षा प्रदान की जाए, उनके लिए अलग अलग योजनाओं की छात्रवृत्ति, गणवेश वितरण, साइकिल वितरण, इस प्रकार की चीजों का भी काम किया जाए, ताकि वो बालिका जो है स्कूल आना बंद ना करे, स्कूल आने के लिए और प्रेरित हो और अच्छी शिक्षा हासिल करे। साथ ही साथ अध्यापिकाओं की, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में फीमेल टीचर यानी महिला अध्यापक की नियुक्ति की जानी चाहिए, ताकि जो बालिकाएं हैं वो सहज रूप से महिला शिक्षक के साथ जुड़कर पढ़ सके। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, इन चीजों से हम क्या कर सकते हैं, जो असमानता है शिक्षा में उसका निवारण किया जा सकता है। बढ़ते गए प्रश्न की ओर, सर्व शिक्षा अभियान पर एक निबंध लिखिए। तो भाई सर्व शिक्षा अभियान वह अभियान है जिसमें संपूर्ण 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा दी जानी थी। इसमें 2007 तक प्राथमिक 5वीं 8वीं तक की शिक्षा कंपलसरी हर एक को दी जानी थी, हर एक बालक को दी जानी थी। इसमें क्या किया गया था कि सभी को शिक्षा मुफ्त मिलेगी और अनिवार्य रूप से मिलेगी और एक अच्छे स्तर की मिलेगी। इसमें कई प्रकार की योजनाएं लाई गई ताकि बालक बालिकाएं छात्र छात्राएं स्कूल तक पहुंचे, स्कूल तक प्रेरित हो परीक्षा देने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए। इसके लिए मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना लाया गया, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति योजना, गणवेश वितरण, साइकिल वितरण, ये कई प्रकार की मेधावी छात्रवृत्ति योजना, ये सारी योजनाएं लाई गई। इसमें था कि भारत में 6 से 14 वर्ष तक के सभी छात्रों को मुफ्त एवं अनिवार्य रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये था इसका उत्तर।
तो ये आपके सामने 13 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको देखकर आपको लिखने हैं, याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक। और अगर ये मेरी मेहनत आपको जरा सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें ताकि आप मिस ना करें कोई भी वीडियो फटाक से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट्स, बात करें अगर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि 5 और 2 नंबर के लिए आ सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला है, कोठारी कमीशन ने स्त्री शिक्षा के विषय में दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों को लिखिए। एक बात बता दूं कि इस पूरे विषय में, पूरे डीएलएड में, जहां जहां कोठारी से शब्द जुड़ा हुआ है उस पूरे प्रश्न को पढ़ लेना, क्योंकि कोठारी से जुड़ा हुआ सवाल आता ही आता है। कोठारी कमीशन ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए खूब सारे प्रयास किए थे, खूब सारे रिपोर्ट दी थी, सुझाव दिए थे, तो उनकी बात अक्सर होती है डीएलएड में। तो अब तक ध्यान रखिए, जब भी कोठारी कमीशन जुड़ा हुआ कोई सवाल है किसी भी विषय में है और किसी भी इकाई में, तो उसको पढ़कर रखिए। तो यहां भी ये सवाल है, कोठारी कमीशन जुड़ा हुआ एक ही सवाल है, तो मैं आपको बता रहा हूं इसकी संभावना बहुत है आने की। चलिए देखते हैं, कोठारी कमीशन ने स्त्री शिक्षा के विषय में दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव को लिखिए। भाई स्त्री शिक्षा कब कैसी होनी चाहिए, इसके सुझाव दिए गए थे कोठारी कमीशन द्वारा। क्या सुझाव दिया गया था? प्राथमिक स्तर पर उन्होंने सुझाव दिया था कि एक अलग विद्यालय होना चाहिए, छात्राओं के लिए अलग विद्यालय होना चाहिए, स्पेशल सिर्फ और सिर्फ बालिकाओं के लिए। उन्हें मुफ्त पुस्तकें, मुफ्त गणवेश यानी ड्रेस इत्यादि मिलना चाहिए, मुफ्त किताबें वगैरह मिलनी चाहिए, ठीक। फिर माध्यमिक स्तर पे जब बालिकाएं बड़ी हो जाती हैं, तो उन्हें किसी महिला अध्यापक से शिक्षा देनी चाहिए, यानी महिला अध्यापक की नियुक्ति होनी चाहिए। साथ ही साथ थोड़ी बड़ी हो जाती है तो घर से आना जाना दिक्कतें होती है, तो उसके लिए छात्रावास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। जी हाँ, खासकर अनुसूचित और जनजाति और अनुसूचित जनजाति और जाति जो होती है उनके लिए। तो ध्यान रखेंगे कि पृथक विद्यालय, मुफ्त पुस्तक, गणवेश इत्यादि प्राथमिक स्तर पर, और माध्यमिक स्तर पर महिला अध्यापक की नियुक्ति, छात्रावास की सुविधा देनी चाहिए। साथ ही साथ जब बालिकाएं उच्च शिक्षा तक पहुंच जाती हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देनी चाहिए, क्योंकि बहुत पैसा खर्च होता है बड़े महाविद्यालयों में पढ़ने में। यातायात का साधन मिलना चाहिए, साथ ही साथ गृह विज्ञान और दूसरे विज्ञान तरह की चीजें सिखाई जानी चाहिए, अन्य प्रकार के कोर्सेस वगैरह का इंट्रोडक्शन यहाँ देकर उन्हें सिखाना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, तो ये सारे सुझाव दिए थे किसने? कोठारी कमीशन ने, बालिका शिक्षा के सुधारने के लिए। ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की छात्राओं के लिए बालिका छात्रावास की उपयोगिता लिखिए। भाई बालिकाओं को छात्रावास मिलेगा, जो आदिवासी छात्र यानी अनुसूचित जाति और जनजाति है उनके लिए, तो उनके लिए भाई आना जाना आसान हो जाएगा, उनके लिए घर से कोई अलग, उनके ग्रह पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, तो माँ बाप शिक्षा से वंचित नहीं रखेंगे, क्योंकि छात्रावास मिलेगा, रहने का मिलेगा, खाने का मिलेगा, पढ़ने का सब कुछ सरकार की तरफ से मिलेगा, तो कोई माँ बाप अपने बालक बालिका को पढ़ने से क्यों रोकेगा, वो तो पढ़ने ही बोलेगा, तो उनकी शिक्षा में स्तर में बढ़ोतरी होगी, शिक्षा के स्तर में, ठीक। और क्या होगा, उनपे कोई भी आर्थिक व्यय यानी कि पैसा खर्च नहीं होगा, कोई बोझ नहीं पड़ेगा माँ बाप पर, साथ ही साथ वो सशक्त बनेंगी, स्वयं पर निर्धारित होंगी, साथ ही साथ सेल्फ डिपेंडेंट होंगी, और वो शिक्षित होंगी सबसे बड़ी बात, और अच्छे समाज का निर्माण करेंगी, और यहाँ से पढ़कर वो अच्छे पदों पर जा सकती हैं, अच्छी नौकरी हासिल कर सकती हैं, अपने समाज और अपने देश का और अपने घर का उत्थान कर सकती हैं। अगला प्रश्न, शिक्षा के प्रकार बतलाइए। भाई शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है औपचारिक शिक्षा, जिसमें सब कुछ फिक्स होता है, यानी कि इसमें पाठ्यक्रम फिक्स होगा, कक्षाएं फिक्स होगी, सब कुछ कितने वर्ष में कब होगा सब फिक्स होता है, औपचारिक। फिर आता है निरौपचारिक, और फिर आता है अनौपचारिक। निरौपचारिक में इसमें भी पाठ्यक्रम फिक्स होता है, लेकिन परीक्षाएं क्या होंगी, कैसे होंगी, ये फिक्स नहीं होता, जबकि अनौपचारिक हमेशा चलते रहती है शिक्षा। उदाहरण के तौर पर आप जीवन में जो सीखते हैं, कुछ नई चीजें सीखते हैं, ये सब अनौपचारिक शिक्षा होती है। कभी कंप्यूटर क्लास लगा लिए, कभी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी, तो उसके लिए एक कंप्यूटर कोई क्लास लगा लिए, तो ये सब अनौपचारिक में आता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। तो औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक, ये 3 प्रकार की शिक्षा होती है, ध्यान रखिएगा। 2 अंक के लिए आ सकते हैं, 3 या 4 अंक के लिए। देखिए, बालिका शिक्षा में कौन कौन सी समस्याएं हैं, बालिकाओं की जो शिक्षा होती है उसमें कौन कौन सी परेशानी आती है। पहला तो बालिका विद्यालय का अभाव होना, महिला अध्यापक का अभाव होना। तीसरा, स्कूल का, विद्यालय का घर से, गांव से बहुत दूर होना, उच्च शिक्षा के लिए बहुत दूर जाना, यातायात की सुविधा ना होना, माँ बाप की रूढ़िवादिता, माँ बाप की पुरानी सोच, माँ बाप का जागरूक ना होना, स्वयं बालिकाओं का जागरूक ना होना, ये सारे जो है ये समस्याएं आती है। समाज का जो रवैया है बालिकाओं की शिक्षा के प्रति, वो भी कारण बन सकता है। अगला देखिए, शिक्षा एवं शाला विकास से संबंधित मुद्दे लिखिए। जो मुद्दे शिक्षा एवं शाला का विकास करते हैं, मुद्दों को लिखिए। पहला वित्त यानी कि फाइनेंस, पैसा, पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा में। पैसा नहीं होगा तो अध्यापकों को वेतन नहीं मिलेगा, नई चीजें नहीं आ सकती। शाला भवन, कक्षा की कमी होती, देखिए कक्षा में कई क्लासें लगती हैं, शाला भवन होना चाहिए। विद्यालय संसाधन में कमी नहीं होनी चाहिए, बालिकाओं के लिए खेलकूद की सामग्री, उनके उनकी सुविधा, स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं होनी चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अनुशासनहीनता और योग्य शिक्षकों की कमी, ये सारे मुद्दे जो है बालिका शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि
शिक्षा एवं सार्वजनिक विकास से संबंधित निम्न मुद्दे निम्नलिखित दिए गए हैं। फिर आप नंबर वन लिखेंगे वित्त, तो उसमें थोड़ा समझाइए। फिर लिखेंगे शाला भवन, समझाइए थोड़ा सा। ऐसे हर एक को लिखिए, तीन तीन चार चार लाइन समझाइए, बहुत आसान है। अपनी भाषा में लिखना है, अपनी खुद की भाषा स्वयं लैंग्वेज में लिखना है, आराम से पूरे नंबर मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये होगा सबसे महत्वपूर्ण 18 प्रश्न उत्तर जो यहाँ से आएंगे। इकाई छोटी है, मात्र 10 अंक की है, लेकिन 10 अंक बहुत मिल सकते हैं आपको सिर्फ ये वीडियो देखकर। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो आपको 10 नंबर पक्के हैं, बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, तो 10 नंबर फिक्स मिलना है। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो जरा से पसंद आई है, आपने अभी तक वीडियो देखी, वीडियो पसंद आई, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए और कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगी। साथ ही साथ आप अन्य विषयों की वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। आप प्लेलिस्ट पे क्या कर सकते हैं, सारे वीडियोज देख सकते हैं हर विषय के, प्रत्येक विषय के। और थोड़ा आप नोट्स चाहते हैं अच्छे से इन सभी विषयों के, पूरे चैप्टर्स के परीक्षा में, जिससे आपको 90% हो जाएंगे, तो उन नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, वो नोट्स आपको मिलेंगे बहुत ही कम दाम में, वो नोट्स मिल जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखिए लिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक होगी, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे अन्य सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम की आपको लिंक मिलेगी, आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।